हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ओके, जिसका नेम है जीके। जीके यानी जनरल नॉलेज, ओके स्टूडेंट। जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। तो आपकी टूलिप्स में यहाँ पे पेज नंबर 222 पे, यस 222 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो लेसन नंबर वन, ओके, जीके का लेसन नंबर वन जो आज हम लोग इस वीडियो में लर्न करने जा रहे हैं स्टूडेंट। सो जीके लेसन नंबर वन, ओके। तो पहले आप ये अपनी बुक ओपन करो, ओके, और स्क्रीन पे देखो जीके लेसन नंबर वन यानी कि जनरल नॉलेज सब्जेक्ट में आज हम लोग अपना लेसन नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं। माई इंडिया नेशनल सिंबल्स, ओके स्टूडेंट, टेल मी हमारे कंट्री का नेम क्या है? यस, इंडिया, इंडिया इज अवर कंट्री, ओके। माय इंडिया नेशनल सिंबल्स, ये हमारा चैप्टर का नेम है। यहाँ पे है नेशनल सिंबल्स, ओके। नेशनल सिंबल्स यानी कि ऐसे सिंबल्स जो हमारे कंट्री यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने केजी में सीखा ही है नेशनल सिंबल्स, क्या क्या सीखा था उसमें स्टूडेंट, याद है? जैसे कि नेशनल फ्लैग, तो तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है। नेशनल एनिमल, ओके, वाइल्ड एनिमल टाइगर है ना, नेशनल एनिमल। नेशनल फ्रूट, तो मैंगो, ओके। नेशनल फ्लावर, तो लोटस। तो ये सब जो है वो क्या है? नेशनल सिंबल्स। उसी के बारे में आज हम लोग इस लेसन में लर्न करेंगे। सो बी रेडी। सो यहाँ पे एक येल्लो बॉक्स है, तो येल्लो बॉक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो लुक एट हियर, आप अपनी बुक में भी देखना, सभी स्पेलिंग अच्छे से देखना। इंडिया इज अवर कंट्री, इंडिया इज अवर कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कंट्री यानी कि हमारे देश का नेम है इंडिया। इंडिया इज अवर कंट्री। इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ओके, डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड रेसिस लिव टुगेदर। तो स्टूडेंट, हमारे कंट्री का नेम इंडिया है, हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में जो लोग है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, ओके, यानी कि अलग अलग धर्म के। रिलीजन मीन्स धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ओके। तो अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं। भाषा मीन्स हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, ओके। तो इंडिया में अलग अलग भाषा के लोग भी रहते हैं। एंड रेसिस यानी कि अलग अलग कास्ट के, जाति के लोग रहते हैं। तो इंडिया जो है, हमारा भारत देश जो है, वहाँ पे अलग अलग धर्म के, जाति के और अलग अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग एक साथ मिल के रहते हैं, लिव टुगेदर। द नेशनल सिंबल ऑफ अ कंट्री रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, द नेशनल सिंबल ऑफ अवर कंट्री रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ अवर कंट्री, ओके। यहाँ पे हमारा लेसन नेशनल सिंबल के बारे में है ना, तो नेशनल सिंबल्स जो है वो हमारे कंट्री की आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके स्टूडेंट। हमारे कंट्री की आइडेंटिटी यानी कि पहचान, आइडेंटिटी यानी कि पहचान। तो आपके पास भी आई कार्ड होगा स्टूडेंट, स्कूल आते हो आई कार्ड पहन के आते हो ना, तो आई कार्ड का फुल नेम क्या है? आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपका पहचान। आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान। तो यहाँ पे नेशनल सिंबल शो है वो स्टूडेंट हमारे कंट्री की आइडेंटिटी यानी कि उसकी पहचान रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। कम लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। तो चलो अभी हम लोग नेशनल सिंबल्स को यहाँ पे देखते हैं और उसके बारे में डिटेल में लर्न करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टेल मी विच पिक्चर इज दिस, ओके। आपने ये पिक्चर देखा ही होगा, कहाँ पे देखा है? यस, ये पिक्चर जो है वो हमारा नेशनल फ्लैग है, आपने देखा ही होगा। आई नो, दिस इज अवर नेशनल फ्लैग, ओके। तो पहले हम लोग नेशनल फ्लैग के बारे में बात करेंगे, ओके। फ्लैग,
तो स्टूडेंट फ्लैग जो है वो द फ्लैग स्टैंड्स फॉर अ फ्री कंट्री, फ्री कंट्री यानी कि स्वतंत्र, फ्री यानी कि स्वतंत्र, जिसके ऊपर किसी का रूल नहीं है, ऐसा कंट्री यानी कि देश, ओके। तो फ्लैग स्टैंड्स फॉर अ फ्री कंट्री, फ्लैग जो है वो फ्री कंट्री के लिए होता है, जो कंट्री फ्री है उसी का फ्लैग होता है। तो पहले जो है वो हमारा कंट्री फ्री नहीं था, हमारे कंट्री पे ब्रिटिशन का रूल था अप टू 1947। तो 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, ओके। तो उसके बाद इसको ट्राइकलर को, तिरंगा को हमारा नेशनल फ्लैग घोषित किया गया, ओके स्टूडेंट्स। तो जो फ्लैग है वो फ्री कंट्री दिखाता है कि ये कंट्री फ्री है, इसके ऊपर किसी और का रूल नहीं है। The Indian national flag is also called Tiranga. Indian national flag is also called Tiranga. तो हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसका नेम क्या है? तिरंगा। तिरंगा यानी कि तिरंगा, आप इसको डिवाइड करो, तिरंगा, ती यानी कि थ्री, रंगा यानी कि कलर्स, थ्री कलर का है ये, देखो 1, 2 and 3, तो इसके ऊपर इसका नेम रखा गया है तिरंगा। तो हमारे नेशनल फ्लैग का नेम क्या है? तिरंगा। इट इज अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर ट्राइकलर विच इज डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल पोर्शंस, ओके। सो हॉरिजॉन्टल हमारा नेशनल फ्लैग कैसा है स्टूडेंट? यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो और लाइव भी आपने बहुत बार देखा होगा कि हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ये, ओके। और रेक्टेंगुलर, इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर, ओके, स्क्वायर नहीं है ये रेक्टेंगुलर शेप में है। आपको शेप तो पता ही है, रेक्टेंगुलर शेप, बोर्ड का शेप, बोर्ड का शेप कैसा होता है? ब्लैक बोर्ड का, रेक्टेंगुलर। तो ये हॉरिजॉन्टल है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ट्राई कलर यानी कि इसके अंदर थ्री कलर्स है, ओके, थ्री कलर्स है ना, ये 1, ये 2, ये 3, थ्री कलर्स है इसमें। विच इज डिवाइडेड इंटू इक्वल पोर्शन, ओके, इक्वल पोर्शन में यानी कि साइज तीनों की सेम है। डीप सेफ्रॉन यानी कि केसरी कलर एट द टॉप यानी कि सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सेफ्रॉन। व्हाइट इन मिडल यानी कि मिडल में, सेंटर में कौन सा कलर है? व्हाइट कलर। एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम, बॉटम में कौन सा कलर है? डार्क ग्रीन इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड, ओके। तो स्टूडेंट ये व्हाइट बैंड जो सेंटर में है उसके अंदर आप क्या देख सकते हो? ये व्हील जैसा राउंड राउंड ब्लू कलर का आप देख सकते हो, ओके। तो ये जो ब्लू कलर का व्हील है वो क्या है? अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र, जिसके अंदर 24 स्पॉक्स है, ओके। जो लाइन्स होती है वो कितनी होती है? 24, ओके। इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील, ओके, नेवी ब्लू व्हील, व्हील यानी कि चक्र विथ 24 स्पॉक्स। ये जो लाइन है वो कितनी होती है? 24 स्पॉक्स। इट इज नोन एज द अशोक चक्र, इसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। तो ये जो डिटेल है स्टूडेंट पेज नंबर 222 पे, ओके, ये नेशनल फ्लैग के बारे में है। हमारा कंट्री रिप्रेजेंट करता है नेशनल फ्लैग जिसका नेम है तिरंगा, तिरंगा यानी कि थ्री कलर्स। तो हमारे नेशनल फ्लैग में थ्री कलर्स है, सबसे टॉप पे ऑरेंज केसरी सेफ्रॉन, मिडल में व्हाइट और लास्ट में नीचे डार्क ग्रीन, ओके, थ्री कलर है, सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन, सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन। और जो व्हाइट बैंड है सेंटर में उसके अंदर है एक व्हील ब्लू कलर का जिसको बोलते हैं अशोक चक्र, जिसके अंदर है 24 स्पॉक्स, ओके स्टूडेंट। तो ये जो डिटेल थी वो हमारे नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगा के बारे में थी, ओके स्टूडेंट। नाउ यहाँ पे एक फैक्ट है, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इज अवर नेशनल एम्बलम। तो हमारा नेशनल एम्बलम है वो कौन सा है? सारनाथ का, अशोक का जो कैपिटल था सारनाथ, उसका जो फोर लायन वाला है, आपने फोर लायंस देखे ही होंगे, ओके, फ्रंट में
दोनों साइड लायन होते हैं और एक बैक पे होता है जो दिखता नहीं है, पीछे की साइड। तो सारनाथ का जो स्तंभ है अशोका का फोर लायन वाला, वो जो है वो हमारा नेशनल एम्बलम है। यहाँ पे फैक्ट फाइल में बताया गया है। द अशोक चक्र इज ऑल्सो कॉल्ड द धर्म चक्र। ये जो अशोक चक्र है उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र भी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, आप अपनी बुक में ओके पेज नंबर 222, हमारा जीके का लेसन नंबर 1 जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे येल्लो बॉक्स है क्वेश्चन मार्क वाला, वहाँ पे अभी आप आंसर लिखोगे। ओके मैं बोलूँगी, आप आंसर लिखोगे। सो यहाँ पे है पजल जैसा कुछ है, आप अपनी बुक में देखिए। यहाँ पे आई रूल दी जंगल, ओके यानी कि मैं जंगल में रूल करता हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन है। हैव स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी, यानी कि उसके बॉडी पे स्ट्रिप्स है, लाइन्स है, मेरे बॉडी पे लाइन्स है। एंड एम पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम योर नेशनल एनिमल। ओके ये लाइन पढ़ के आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये कौन सा एनिमल है। आई एम योर नेशनल एनिमल, तो हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है स्टूडेंट? यस, टाइगर। ओके सो आई रूल द जंगल, हैव स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी एंड आई एम पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये मैच हुआ ना टाइगर से, तो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। हु एम आई, यहाँ पे क्वेश्चन है ओके कि मैं जंगल में रूल करता हूँ, मेरे बॉडी पे स्ट्रिप्स है, मैं पावरफुल हूँ और मैं नेशनल एनिमल भी हूँ। सो हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो आपका आंसर क्या होगा? यस टाइगर। सो यू हैव टू राइट हियर स्पेलिंग ऑफ टाइगर। ओके हु एम आई लिखा है ना क्वेश्चन मार्क करके, उसके बाद ब्लैंक है, वहां पे आप अपनी बुक में यहाँ पे लिखोगे टाइगर। व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ टाइगर स्टूडेंट? यस TIGER, आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू राइट राइट नाउ TIGER, टाइगर। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, आई ग्रो इन वॉटर। ओके मैं वॉटर में ग्रो होता हूँ। आई एम अ स्कैर्ड फ्लावर, मैं एक डरा हुआ फ्लावर हूँ। आई रिप्रेजेंट प्योरिटी, ओके मैं शुद्धता, प्योरिटी यानी कि शुद्धता, प्योरिटी रिप्रेजेंट करता हूँ। आई एम योर नेशनल फ्लावर, आई एम योर नेशनल फ्लावर। सो विच इज अवर नेशनल फ्लावर? यस इट इज लोटस। ओके हु एम आई, तो क्या आएगा आपका आंसर? लोटस। What is spelling of lotus? LOTUS. You have to write here lotus. यहाँ पे लास्ट वाली ब्लैंक में आपको लिखना है राइट नाउ। ओके पेंसिल लेके चलो लिखो लोटस का स्पेलिंग LOTUS. लोटस स्टूडेंट, मैं आपको नहीं यहाँ पे बोर्ड पे स्पेलिंग लिख के दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको आते हैं ये स्पेलिंग, के जी में आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो राइट। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखोगे स्पेलिंग ऑफ टाइगर एंड लास्ट वाली ब्लैंक में लिखोगे लोटस। डन। वन मोर येलो बॉक्स इज देयर, द नेवी ब्लू व्हील इन द नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड। ओके नेशनल फ्लैग पे जो नेवी ब्लू व्हील है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे टू ऑप्शंस है, चक्र और अशोक चक्र। उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ चक्र ही बोलते हैं या फिर अशोक चक्र बोलते हैं? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। ओके इट्स कॉल्ड अशोक चक्र। तो आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें टिक करके वही स्पेलिंग यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। ओके इस व्हील को बोलते हैं अशोक चक्र। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जीके लेसन नंबर 1 ओके इस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आगे भी हम लोग लेसन नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके एकदम इजी है, बट साथ में आपको क्या करना है? यस रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो तुलिप में आप लोग रीडिंग प्रैक्टिस भी करोगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, आई होप आपको मजा आया होगा। जीके जनरल नॉलेज लेसन नंबर 1, क्या है नेम? माई इंडिया नेशनल सिम्बॉल्स। ओके लर्न दिस एट होम। थैंक यू।